जहां एक ओर राम मंदिर निर्माण को लेकर गहमा गहमी बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर आज से भारतीय रेलवे ने श्री रामायण एक्सप्रेस की शुरुआत की है। यह एक विशेष प्रकार का पर्यटक ट्रेन है जो दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से रवाना होगी और 16 दिनों के एक सामूहिक पैकेज के अंतर्गत यात्रियों को भारत में भगवान राम से जुड़े हर महत्वपूर्ण स्थलों के साथ साथ श्रीलंका के 4 स्थलों की भी यात्रा कराएगी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC के मुताबिक टूर पैकेज में धर्मशाला में भोजन, आवास, दर्शनीय स्थलों की सैर की व्यवस्था होगी और IRCTC के टूर मैनेजर भी पर्यटकों के साथ पूरे दौरे की यात्रा करेंगे। दिल्ली से रवाना होने के बाद इस ट्रेन का पहला पड़ाव अयोध्या में होगा और इसके बाद ये हनुमानगढ़ी, रामकोट और कनक भवन मंदिर जाएगी। ट्रेन रामायण सर्किट के महत्वपूर्ण स्थलों जैसे नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी, प्रयाग, सिंहपुर, चित्रकूट, नासिक, हम्पी और रामेश्वरम को कवर करेगी। ट्रेन अपनी यात्रा का अंतिम पड़ाव 16वें दिन तमिलनाडु के रामेश्वरम में पूरी करेगी। टिकट की कीमतों की बात करें तो श्री रामायण एक्सप्रेस ट्रेन में 800 यात्रियों की कुल क्षमता होगी और प्रति व्यक्ति टिकट की कीमत 15,120 रुपए होगी। श्रीलंका दौरे के लिए अलग से शुल्क लिया जाएगा जिसमें आप चेन्नई से कोलंबो की उड़ान ले सकते हैं। 5 रात और 6 दिन के श्रीलंका दौरे के पैकेज की कीमत प्रति व्यक्ति 36,970 रुपए होगी। इस टूर पैकेज में कैडी, नुवारा, एलिया, कोलंबो और नेगोम्बो जैसे गंतव्य शामिल होंगे। आपको बता दें कि IRCTC ने हाल ही में 28 अगस्त से 9 सितंबर 2018 तक त्रिवेंद्रम के रामायण सर्किट से पंचावटी, चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर, तुलसी मानस मंदिर, दरभंगा, सीतामढ़ी, अयोध्या और रामेश्वरम तक ऐसी पर्यटक ट्रेन संचालित कर चुकी है और अब आज से श्री रामायण एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कर रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने सुझावों को हमें कमेंट के जरिए भेजें।